नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रॉब्लम न जाने क्या है, क्यों उनके मन में देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतना जहर भरा हुआ है। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो उसे उगलने लगते हैं। उन्हें मोदी की हर नीति हर सोच पर दिक्कत है। राहुल गांधी ने भारत में मुस्लिमों की स्थिति को लेकर के अमेरिका में एक बड़ा बयान दे दिया है। बड़ी खलबली मची हुई है उस बयान से। राहुल गांधी ने ये कहा कि अभी भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है वो ठीक वैसे ही है जैसे 80 के दशक में यूपी में दलितों की थी। अब विदेशी धरती पर जा करके अपने देश के लिए ऐसी बातें करना सच में बड़ी गंभीर बात है। हम आज इसी पे बात करेंगे और मेरे साथ आज के मेहमान हैं डॉक्टर फैज अहमद फैजी जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दर्शकों की ओर से भी मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी को क्या हो गया है, ये क्या कर रहे हैं विदेशी धरती पे जाकर के, और वो भी मुस्लिम समाज के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि वो बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र में हर एक राजनेता को एक दूसरे राजनेता की आलोचना करने का, उसके विरोध करने का लोकतांत्रिक एक अधिकार है, वो उसका प्रयोग करना चाहिए और लोकतंत्र की यही सुंदरता होना भी चाहिए। लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, एक उसकी सीमा होती है, और वो कोई भी आलोचना हो या विरोध हो तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि तथ्यों के साथ साथ उसका एक जो मैनर है, उसकी एक जो लोकेशन है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। विदेश में जाके इस तरह की बातें करना, थोड़ी सी छवि खराब होती है। हमारा अगर प्रधानमंत्री कुछ गलत कर रहा है तो हम यहाँ इंडिया बैठ के उसको करेंगे। वो हालांकि ये भी बात सही है कि आप भारत में कुछ बात कहिए चाहे अमेरिका में कहिए, बात तो चारों तरफ फैल जाती है, फिर भी एक मर्यादा रखनी चाहिए। दूसरी चीज, मैं राहुल गांधी की बात करना चाहूंगा, जो उन्होंने मुस्लिमों के हालात की बात की कि मुस्लिमों के हालात जो है 80 के दशक के जो है दलितों की तरह हो गई है, तो इसमें देखिए वो खुद अपनी पार्टी की जो है सच्चाई को बाहर है। 80 के दशक में चारों तरफ अपने वक्त को याद कर रहे हैं, उन्हीं के पिताजी दादी जी का शासन था उस जमाने में। जी जी, तो ये उनके लिए भी शर्म की बात है कि वो खुद कह रहे हैं कि दलितों की हालत बहुत खराब थी और कह रहे हैं कि आजकल मुसलमानों की हालत भी वही हो गई है। देखिए, मैं वो एक मुस्लिम विमर्श को मान के, मुस्लिम समाज को मोनोलिथ मान के वो लोग चलते हैं, जो तथाकथित सेकुलर लिबरल पार्टियां हैं या तथाकथित सेकुलर लिबरल या सामाजिक न्याय की जो पार्टियां हैं, सामाजिक संगठन जो हैं वो चलते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और उससे ना एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। जैसे आप कहते हैं कि मुसलमानों की हालत दलितों से खराब है, तो ये बात पूरी तरह से झूठ हो जाती है, क्योंकि बहुत से मुसलमानों की हालत दलितों से क्या, हिंदू सवर्णों से भी बहुत अच्छी है। जी, हिंदू सवर्ण जो है उनसे ज्यादा ये पार्लियामेंट में अपनी आबादी के हिसाब से पहुंच जाते हैं। जी, और जी। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो वाकई हिंदू पिछड़ों से भी पीछे हैं, हिंदू दलितों से भी पीछे हैं। तो एक बात साफ होनी चाहिए कि कौन से मुसलमान पीछे हैं, कौन से मुसलमान आगे हैं। यानी कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज में जो जातिगत विभेद है या जो उसके अंदर जो वंचित समाज है उसके हिसाब से बात करनी चाहिए। एक मोनोलिथ बना के अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी का एक अपना विमर्श चलता है, मुस्लिम विमर्श चलता रहता है, उसके हम लोग विरोधी रहे। 90% मुसलमानों के अधिकारों का दोहन होता है। अब आइए, उन्होंने जो कहा तो उस लोकेशन से कह रहे हैं जो अशराफ ने उनको सिखाया, जैसे उनके दादा परदादा नेहरू जी को मौलाना आजाद सिखाया करते थे, वो मुस्लिम मामलों में वही करते थे। इसलिए नेहरू जो है हिंदू कोड बिल ले आते हैं, वो सिविल कोड बिल नहीं ले आते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इस देश का पहला प्रधानमंत्री कम्युनल प्रधानमंत्री था, वो हिंदू समाज की उसको चिंता है, हिंदू महिलाओं की चिंता है ना। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री जहाँ हिंदू मुसलमान सारे लोग रहते हैं, तो उसे हिंदू महिलाओं को अगर पर्सनल कानून की वजह से की चिंता थी कि असंपत्ति में अधिकार नहीं मिल रहा है, शादी ब्याह तलाक, तो मुस्लिम महिलाओं को भी चिंता करनी चाहिए। और मुस्लिम ही को और भी जो धर्मों के लोग हैं, जो पारसी हैं, जहाँ पर्सनल लगता है, और उसी परिप्रेक्ष्य में जिस समाज से आता हूँ तो मैं उनको कम्युनल कहता हूँ। ठीक है, उन्होंने हिंदुओं के प्रधानमंत्री की तरफ बिहेव किया, लेकिन इसी के कंपेयर में देखेंगे आप हमारे जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी,
वो लगातार एक देश के प्रधानमंत्री की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये जी बैकग्राउंड के तौर पर मैंने कहा, क्योंकि जब वो मुस्लिम की बात करते हैं तो मुस्लिम की बात ही नहीं करते, वो वंचित समाज की बात करते हैं, अंत्योदय की बात करते हैं। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई है, उनके पार्टी के बहुत बड़े आइडियोलॉग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये कॉन्सेप्ट था कि अंत का उदय होना चाहिए, जो बिल्कुल आखिरी पे खड़ा हुआ है उसको उस मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। और मोदी जी जी बहुत ईमानदारी के साथ, एक सेकुलर देश के सेकुलर प्रधानमंत्री का उनका बिहेव है, उन्होंने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात की, ट्रिपल तलाक जिसकी भुक्तभोगी हमारी देशज मुस्लिम जो थे, दो तरह के मुसलमान, एक विदेशों से आए हुए हैं जो शासक वर्ग रहा है, जो भारतीय मूल के मुसलमान है, जो ओबीसी एससी एसटी जातियों से ज्यादातर कन्वर्टेड है, तो उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, ट्रिपल तलाक को एबोलिश किया, जो ये एब्रोगेशन ऑफ जो आर्टिकल 370 था, आप जानते हैं कि अगर वो मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की तरह राज्य बनता है, पूर्ण राज्य बनता है कश्मीर, तो वहां जो 90% मुस्लिम बाहुल है आप जानती हैं, और मुस्लिम बाहुल में 90% देशज पसमानदा है, जो वाताल है, अंजाल है, जो सफाई का काम करने वाला है, जो खेती मजदूरी करने वाला है, तो वो भी उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के जिस तरह से पसमानदा आगे बढ़ रहा है, मैं आज डॉक्टर बन के बैठा हूँ, तो वो भी आगे बढ़ेगा। जी, तो वेरी ये जो ऑब्वियस। बड़े प्रमुख प्रमुख काम है, उससे 90% प्रमुख कामों में मैं आपको बता दूं, एक एब्रोगेशन ऑफ 370, दूसरा ट्रिपल तलाक का बैन, तीसरा जो है मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय। देखिए, प्रधानमंत्री ने जब से ये बात कही है, राष्ट्रीय लेवल पे इसकी चर्चा हो रही है, उससे पहले कोई मुस्लिम समाज में चर्चा नहीं होता था। और वोट की जी बात होती थी तो राजपूत होते थे, इतना ब्राह्मण वोट, इतना बनिया वोट, इतना पिछड़े वोट, इतना दलित वोट, इतना, ऐसे बात होती थी। और इधर जब बात होती थी मुस्लिम वोट इतना, अब अखबार जी वाले जी भी लिखने लगे मुस्लिम कि पसमानदा मुस्लिम वोट वोट की इतना। बात होती थी और हाँ उनकी जी, सामाजिक तो समानता की बात कोई नहीं करता था इससे और पहले। देखिए, एक सेकुलर देश में आप किसी धर्म विशेष के हिसाब से वोटिंग की बात करते हैं, तो ये बहुत खराब बात है। आप सेकुलर देश में आप कह रहे मुसलमान वोट इतना, यानी धार्मिक पहचान के साथ आप वोटरों को अगर जोड़ेंगे तो धर्म के आधार पर फसाद पैदा होगा, मुस्लिम सांप्रदायिकता बड़ी, वही हो रहा है। तो राहुल जी भी वही अपने बाप दादा और दादी नानी के रास्ते पे चल रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, तो वो कंफ्यूज खुद है, और उनके जो सलाहकार हैं, जो अशराफ लोग उनको समझा रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक बात आखिरी में कह दूं आपके सवाल के समापन में, कि जी जब कोई भी कानून या कोई भी नीति जब 90% मुसलमानों को फेवर कर रही है, अगर आप हिंदू मुसलमान की और धार्मिक पहचान के आधार पर बात करना चाहते हैं, तो अगर कोई चीज, कोई नीति या कोई सरकार या कोई प्रधानमंत्री ऐसी नीतियां बनाए जिससे 90% मुसलमान लाभान्वित हो रहे हैं, तो वो एंटी मुस्लिम कैसे होगी सरकार, वो नीति एंटी मुस्लिम कैसे होगी। हाँ, उसमें जो शासक वर्ग या अशराफ वर्ग है, उसको लग रहा है कि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय हो जाएगा, तो मुझे इन दलितों को, जो मुस्लिम धर्मावलंबी दलित हैं, जो मुस्लिम धर्मावलंबी पिछड़े हैं, जिनको हम देश पसमानदा कहते हैं, नट है, धोबी है, लालखोर है, बंगी है, बक्को है, उनको भी जगह देनी पड़ेगी, उनको भी इत्र और खुशबू और शेरवानी पहना के अपने बगल में बैठाना पड़ेगा, ये इनकी दिक्कत है। लेकिन ये जी भारत जी देश है, और वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको अपने सब्जेक्ट की, अपने नागरिकों की चिंता है, चाहे वो इस्लाम धर्म का मानने वाले, हिंदू, किसी आस्था से ऊपर उठ के वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, इसका तो वेलकम होना चाहिए सारे विपक्ष की पार्टियों द्वारा और उन सामाजिक न्याय की पार्टियों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा। लेकिन ऐसा ना हो के सिर्फ विरोध के लिए विरोध हो रहा है और विदेशों में जाके देश की छवि खराब की जा रही है। आपने मुझे मौका दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ कायदे से, तो जिस लेवल पे जाके राहुल जी बोल रहे हैं उसी लेवल पे जाके हमें भी मौका मिलना चाहिए, तब तो उसका काउंटर हो पाएगा। लेकिन मैं आपके साहस को भी प्रणाम करूंगा कि आपने मौका दिया, और मैं बोल रहा हूँ कि 90% मुसलमानों का भला मोदी जी के आने के बाद से शुरू हुआ है, और आगे भी देखिए, यूसीसी आ जाएगी, यूसीसी के लिए प्रयास हो रहा है, यूसीसी आएगी तो पसमानदा महिलाओं को सबसे ज्यादा उसमें फायदा मिलने वाला है। जी अभी रिसेंटली अगर बात करें, नई संसद का उद्घाटन हुआ उस समय चूंकि विपक्ष जो है डे वन से ही विरोध कर रहा था नई संसद का, और बार बार वो एक ही चीज अलाप रहे थे कि हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं इस नई संसद में भी, ये सीधे सीधे आरोप बीजेपी पे और मोदी जी पे लग रहा था। लेकिन मैंने देखा कि जब जिस दिन इनॉग्रेशन हो रहा था उस दिन मैंने देखा कि वहाँ मौलवी साहब भी अपनी बड़ी खूबसूरत सी उन्होंने प्रस्तुति दी, आपने भी देखा होगा। इसके अलावा भाजपा ने बाबा कबीर को संसद में स्थान दिया है, फिर भी लोग ये ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए, वो सर्वधर्म के हिसाब से वहां पे प्रार्थना की गई, और
और मैं विशेष रूप से कुरान की जो आयतें पढ़ी गई, जो कुरान की सूरह या उसको सूरत भी कहते हैं जो पढ़ी गई, जी वो एक बेहतरीन सूरत थी जिसमें सिर्फ ईश्वर ने जो हमें दिया है उसका जी जी वर्णन है। ईश्वर ने तुम्हें पानी दिया, तुम्हें बोलने का तरीका सिखाया, तुम्हें ये दिया वो दिया, तुम अपने पालनहार के किन किन उपहारों को ठुकराओगे, ये एक सारांश पे है। तो देखिए कितनी अच्छी बात थी कुरान की, वो आयतों को चुना गया। हालांकि कुरान में बहुत सी ऐसी आयतें हैं जिसमें लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन कुरान की बिल्कुल वो जो मालिक और उसके बंदे के बीच की जो बात थी, ईश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें जल दिया, तुम्हें बोलने की ताकत दी, मुझे ये दिया वो दिया, तुम हमारे किन किन उपहारों को ठुकराओगे। तो ये बहुत अच्छी बात थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो सर्वधर्म के हिसाब से वहां किया गया। तो हालांकि ईसाई धर्म के भी लोग थे, जैन धर्म, जैन मुनि ने भी सभी अपनी बात धर्मों कही। के तो लोग थे। ऐसा लगता है कि मैं मुस्लिम जी समाज की बात डॉक्टर साहब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भाजपा ने बाबा कबीर को संसद में स्थान दिया है, जी जी ये बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए बाबा कबीर पसमांदा आंदोलन के आइकन है, देसी मुसलमानों के आइकन है, लेकिन अशराफ ने उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको मुस्लिम फोल्ड से निकालने का प्रयास किया, जी उनको हिंदू फोल्ड में डाला कि वो हिंदू थे। वो ऐसा इसलिए अशराफ करता है, जैसे मुझ पे ही आरोप है कि मैं संघ से पैसा लेके काम करता हूँ, भाजपाई हूँ, वो समाज जी से डिस्क्रेडिट करने का प्रयास करते हैं ताकि इस आदमी का प्रभाव या विचारों को लोग न ले, मान ले कि ये हिंदू है। लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हें जी जब हिंदू बहुत अच्छे लगते हैं, भारत बहुत अच्छा लगता है, भारत की सभ्यता संस्कृति अच्छा लगती है, हिंदू क्यों नहीं हो जाते हो? तो वो देखिए वो चाहते हैं कि ये गुलाम जो है, जो खटर पटर कर रहा है, जी उसको निकाल के बाहर कर दो ताकि बाकी गुलाम हमारे सेफ हो जाए। नहीं, इसी आपकी रणनीति आपकी में बात बिल्कुल बाबा सही कबीर है। को, जी हाँ इसी कड़ी में उन्होंने बाबा कबीर को डिस्क्रेडिट किया, हम लोग उनको वापस ला रहे हैं। आप समझिए पूरी विश्व में कबीर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं और भारत भूमि में ने एक ऐसे व्यक्तित्व को पैदा किया जो इस्लाम के अंदर व्याप्त कुरीतियां, मुस्लिम समाज में कुरीतियां, मुस्लिम सांप्रदायिकता, मुस्लिम समाज के विरोध में, मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात किया। उससे पहले पूरी दुनिया में मुस्लिम समाज में कोई ऐसा नहीं हुआ। ये श्रेय भी इस भारत भूमि को जाता है, इस बात का हमें गर्व है और इस बात का हर एक नागरिक को गर्व होना चाहिए। और उनको जो पार्लियामेंट के जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें उनका जो है पोर्ट्रेट हमें हमारे कई साथियों ने बताया कि लगाया गया है। ये बहुत जी सम्मान की बात है कि जिस कबीर को आपकी मैं बता दूं, जिस इन कबीर को ये लोग जाहिल भी कहते हैं, अशराफ का एक जी टर्मोलॉजी है, वो अरबी में जाहिल बोलता है ना कि कबीर पढ़े लिखे नहीं, तो ये भी झूठ बात है। कबीर ने अर्जनामा, अलिफनामा, और मैं एक ब्राह्मण की किताब के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, जुस्सी जी ने, कश्मीरी ब्राह्मण थे, उन्होंने लिखा कि अर्जनामा अलिफनामा कबीर ने फारसी में लिखा है। देखिए अगर जहालत की बात है, जाहिर की बात है, तो इस्लाम के जो प्रवर्तक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी तो पढ़े लिखे नहीं थे। अगर हम मान भी जी लेंगे कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो जाहिल शब्द आप कबीर के साथ प्रयोग कर रहे हो, आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी प्रयोग करना पड़ेगा। भाई सुधारक जी वो भी थे, सुधारक वो भी थे, लेकिन आपके अंदर जो है भारतीय लोगों से इतनी नफरत बसी हुई है कि वो भारतीय भी आपको पसंद नहीं है जो आपका सहधर्मी है। तो ये बिल्कुल साफ है। तो मोदी जी की इस पहल एक सम्मान है, और कबीर को आप पार्लियामेंट में लगाएं न लगाएं, कबीर का जो व्यक्तित्व है, समाज पर जो उनका प्रभाव है, जो इस देश और जो है मानवता के लिए उन्होंने किया है, उसको एक फोटो लगा के उनको कुछ नहीं होना है। ये हम खुद को सम्मानित करते हैं कि हम आप में आस्था रखते हैं, हम आपकी वाणी को, आपके विचार को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सिग्निफायर के तौर पे, सिंबॉलिक तौर पे ये चीजें होती हैं। वो महान व्यक्तित्व गुरु नानक की आप फोटो लगाएं चाहे ना लगाएं, उनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, है ना? तो ये जो जी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, जो हमारे बड़े लोग हुए हैं, उनका सम्मान है, और जिस समाज से आते हैं उस समाज का सम्मान है। तो एक बहुत बड़ी बात है, आज तक किसी ने उसका प्रयास नहीं किया। और मैं तो चाहूंगा कि मोदी जी अगर आसिम बिहारी की भी पोर्ट्रेट वगैरह लगा दे, ये और सोने पे सुहागा हो जाएगा कि उन मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा जो आजादी की लड़ाई में मुस्लिम लीग के खिलाफ थे, मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, जिन्होंने अशराफ के उस अशराफवाद, जो कश्मीर, जो हमारी देश भूमि का टुकड़ा लेके अपने अशराफवाद को चला रहे और भारत के अंदर भी चला रहे। देखिए मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी है, वो लगातार देश को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाना चाहती है। और यह बात मुस्लिम समाज के अंदर जो सामाजिक सुधार, सामाजिक कुरीतियों पे प्रहार है, और मुस्लिम सांप्रदायिकता पसमांदा आंदोलन की जो बात कर रहे हैं, पसमांदा मुसलमानों को जो आगे लाने की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि देश इससे जुड़ेगा, क्योंकि पसमांदा जो है 90% है कुल मुस्लिम आबादी का, और अशराफ जो शासक वर्ग है वो मुस्लिम समाज को लीड करता है, और लगातार
मदरसा मस्जिद जमात इस्लामी तबलीगी जमात के माध्यम से मुस्लिम समाज का रेडिकलाइजेशन करता है, जिसमें पसमानदा समाज है जो गरीब है कमजोर है, अशराफ उनको डरा भी ले जाता है, अशराफ एमएलए एमपी होता है, पुलिस में होता है, ताकतवर होता है, कोई बात होती है तो थाने में फोन करके पसमानदा को पिटवा देता है, तो पसमानदा अशराफ से भी डरा रहता है। लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में पसमानदा के अंदर भी ये साहस आ रहा है 1947 और 46 के बाद जब सरदार पटेल थे कि नहीं अब हम अशराफवाद के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, और खुल के इस बार उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में मोदी जी और योगी जी के जो नेतृत्व में था पसमानदा के अंदर ये साहस आया और खुल के अशराफवाद के विरोध में वोट किया। मैं ये नहीं कहता कि सारा वोट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को किया, बहुत से निर्दल प्रत्याशी, सबसे ज्यादा निर्दल प्रत्याशी जीत किया है अशराफवाद के खिलाफ। बहुत लोगों ऐसे पसमानदा कैंडिडेट थे जो समाजवादी पार्टी का टिकट नहीं लेकिन निर्दल लड़े कि हमें निर्दल से ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और पार्टी में जाएंगे तो नहीं सपोर्ट मिलेगा। तो ये एक अच्छी पहल है कि कम से कम वो गुलाम जो वो लोग जो अपने को गुलाम समझ रहे थे आज आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये वो भी 90% मुस्लिम, हमने एक लाइन कहा कि कोई काम कोई नीति कोई सरकार कोई व्यक्ति ऐसी नीतियां बनाता है जिससे 90% मुसलमानों लाभान्वित हो रहे हैं तो वो एंटी मुस्लिम कैसे हो सकता है। अच्छा एक बात और मनविंदर जी मैं कहूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को उस तरह से भुना नहीं पाते, बता नहीं पाते हैं कि ये हमारे आर्टिकल एब्रोगेशन 370 का हुआ तो उससे मुस्लिम समाज को कैसे फायदा हो रहे हैं, ये भी एक होमवर्क की कमी है। प्रधानमंत्री जी हर चैनल पे हर जगह जाके तो नहीं बता सकते ना, ये कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि इस देश के बुद्धिजीवी और हमारे आप जैसे लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सही बात को जनता तक पहुंचाए। जी जी राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत को सिर्फ प्यार से ही खत्म किया जा सकता है, और अब ये देखिए कि ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। इस बार पहली बार महिलाएं बिना किसी रोक टोक के अकेले हज के लिए जा रही हैं, ये इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। हाँ देख कितनी कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है ये। जी करीब करीब 4,000 महिलाएं जो है हज के लिए जा रही है। हमने भी ये बात छोड़ दिया, इसको उसी में आप रखिए 370 और ट्रिपल तलाक और मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात, उसमें भी जोड़िए। तो मतलब मेरा सवाल पूछने का ये मकसद है कि राहुल गांधी को क्या ये दिखाई नहीं दे रहा, क्यों इतनी बचकानी हरकतें कर रहे हैं, क्यों उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि आज मुस्लिम महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में हज करने के लिए जा रही हैं, ये बात तो उन्होंने नहीं कही वहां। और अपनी तरफ से आलोचना स्वस्थ होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लीडर के तौर पे या एक लोकतंत्र में विपक्ष के लीडर के तौर पे उस स्थिति का क्रियान्वयन या उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे, उन्हें हर बात कहनी चाहिए। सरकार ने ये अच्छा किया, सरकार ने ये खराब किया, हम इसका विरोध करते हैं तो एक बात समझ में आती। लेकिन हमने शुरू में बात की नहीं, विरोध हम इसलिए करें कि हमें विरोध करना ही करना है, बस हमें मोदी जी का विरोध करना, चाहे वो जो कह दे, वो मुसलमानों को सर पे भी बैठा देंगे तो भी हम कहेंगे वो एंटी मुस्लिम है, बस हमने दिमाग में ये रख रखा है, आप समझ रहे हैं। तो ये एक अलग सी बात है, ये तो विरोध विरोध चिढ़ जिसको कि भाई हमें चिढ़ है किसी की शक्ल से हमें नफरत है, बस हम उसके खिलाफ रहेंगे तो वो अच्छा। देखिए वो बहुत ही अपरिपक्व भी है राहुल गांधी जो है, लगातार इस तरह की बातें करते हैं, उनकी अपरिपक्व। अब अगर हम अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो मतलब अपना जो पप्पूपन है कब छोड़ेंगे, ये सवाल हम हमेशा करते हैं, लेकिन उनकी बातों में बहुत ही इमैच्योरिटी दिखाई देती है। अभी तो आप ये देखिए कि AIMIM के जो प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी उन पे पलटवार किया है कि उन्हें मतलब अमेरिका में जा कर के मुसलमानों पे जो हमले हो रहे हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया है, वो उन्हें नहीं करना चाहिए था एक तरह से। हालांकि हर दिन वो BJP को गाली देते हैं ओवैसी, लेकिन इस मुद्दे पे वो राहुल गांधी के साथ नहीं है, वो BJP के साथ हैं, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल देखिए ऐसा है, मैं बहुत ही मुखर विरोधी हूँ ओवैसी जी का और उनकी पार्टी का, क्योंकि हमारा आंदोलन स्पष्ट रूप से मानता है कि हम मुस्लिम विमर्श की कोई पार्टी या मुस्लिम राजनीति के हम विरोध में है। और मैं स्पष्ट रूप से मैंने कई बार ट्वीट भी किया है कि AIMM जो मजलिस इत्यादि मुस्लिमीन है वो मुस्लिम लीग पार्ट 2 है और ओवैसी जी जो है वो जिन्ना पार्ट 2 है, ठीक है जी। लेकिन अगर ओवैसी जी कोई अच्छी बात करते हैं, ये लोकतंत्र है, भारत है और यहाँ शास्त्रार्थ का कल्चर रहा है, पंचायत का कल्चर रहा, बातचीत का कल्चर रहा, अगर ओवैसी जी कोई ऐसी बात कहते हैं जो अच्छी है
जो सच है तो उसको हम कहेंगे। हम तो सत्यमेव जयते के लोग हैं, इसीलिए तो लोग हमारे सर पे आके बैठ जाते हैं कि हम ये नहीं देखते कि चलो हमारे विरोध का ही है, लेकिन वो सच कहता है तो हमारा ही आदमी कहता है कि नहीं वो सच कह रहा है, उसकी जो है ताईद होनी चाहिए, उसका समर्थन होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल, उन्होंने सही सवाल उठाया कि आप बहुत जगह कांग्रेस की सरकार है, वहां मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की, वहां आप कुछ नहीं कह रहे, तो एज होल जाके आप इंडिया कह रहे हो, तो इंडिया में तो बहुत सी स्टेट है जहां आपकी भी सरकार है, 1980 कह रहे हो, वहां उस वक्त आपके बाप दादा राज कर रहे थे। तो देखिए ये अपरिपक्वता उनकी बताती है, एक नेता के रूप में, एक राजनेता के रूप में, हमने ये जब बताता ओवैसी है कि वो का अभी ट्वीट मैच्योर ट्वीट नहीं है। जी हमने जब ओवैसी का ट्वीट देखा ना, जो उन्होंने पलटवार किया राहुल गांधी जी पे, तो मैं भी एकदम से चौंकी। मैंने कहा ये तो आज बिल्कुल बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं इस मुद्दे पे। उन्हें भी शायद ये अच्छा नहीं लगा कि वो भारतीय मुस्लिम्स पे अमेरिका में जाकर के उनके डरे होने की बात कर रहे हैं। सब वो झूठ भी बोल रहे थे ना, राहुल गांधी पूरी सच तो बोल नहीं रहे थे, तो जी बिल्कुल सही है, सबको करना चाहिए। हमने कहा ना कि एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि पार्टी और राजनीति से ऊपर उठ के हम इस तरह की चीजों का विरोध करें जो डायरेक्ट हमारे देश के मान मर्यादा इज्जत आबरू पे प्रभाव डाल सकता है, उसको धूमिल कर सकता है। अच्छा, मैं एक बात और आपसे जानना चाह रही थी। जैसे और हमारे प्रधानमंत्री इतनी अच्छी अच्छी गुड़ी गुड़ी बातें कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लिए, उन्हें मतलब सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, इन सब बातों का जिक्र, जैसे हमने अभी बात की बाबा कबीर को संसद में स्थान दिया, इनका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। तो ये मतलब ये भी गेम कर रहे हैं मुस्लिम समाज के साथ। नहीं देखिए, हमने बताया ना कि नियत ठीक नहीं है, वो अगर सारे अच्छे कामों का वर्णन करने के बाद मोदी जी की आलोचना करते और कहते कि नहीं ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो एक बात समझ में आ रही है। तो जाहिर सी बात है, जो अच्छे काम है उसको छुपाएंगे। मुझे आपको बुरा कहना है तो हम आपकी उन चीजों को आगे करेंगे जिसमें थोड़ा सा बुराई निकल सकती है, हम आपको उन अच्छाइयों को क्यों सामने ले आएंगे जब हमें आपको बुराई कहना। हाँ, अगर मुझे आपकी स्वस्थ आलोचना करना है तो मैं कहूंगा कि मनविंदर जी ये तो ठीक है मनविंदर जी का, लेकिन ये बहुत खराब है, मुझे पसंद नहीं है, और ये तो ये बात समझ में आ रही है कि हम, मैं आपकी आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन हमने कहा यह विरोध विरोध के लिए करना है, बस हमको विरोध करना है चाहे जैसे विरोध करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे मेरे शो में आना स्वीकार जी किया, बस बस, आभार, धन्यवाद जब भी आपका। आप कहेंगे मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा, क्योंकि हम जो है एक सुंदर देश बनाने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, और जहां जैसे वार्तालाप होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। मैं फिर आखिरी में एक बात कहता हूँ कि ये देश जो है शास्त्रार्थ का देश है, वार्तालाप का देश है, और एक सुंदर देश है, हम इसको और सुंदर बनाने में अपना जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है, तो मनविंदर बिमर जी का हो या फैयाज अहमद फैजी का हो, ये सिर्फ नाम है, मैं एक सिग्निफायर के तौर पर यूज कर रहा हूँ, हमें एक साथ मिलकर विमर्श को आगे बढ़ाना चाहिए, और उसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा देश स्वस्थ और सुंदर और खुशहाल। नमस्कार। जी जी नमस्कार।